नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। अगर हम बात करें आज नाथनगर की, तो सुबह से ही कांटे की टक्कर चल रही थी। कभी ऐसा लग रहा था कि राजद के प्रत्याशी राबिया खातून आगे चल रही हैं करीबन 700-800 वोटों से, लेकिन अंतिम राउंड आते आते कांटे की टक्कर हुई है और लक्ष्मीकांत मंडल जीत चुके हैं। जदयू की तरफ से प्रत्याशी थे, चुनाव जीत चुके हैं। और अब ये तस्वीर देखिए, सीधा नाथनगर भागलपुर से आ रही है, जहाँ पर जो जदयू के प्रत्याशी हैं उन्हें लोगों ने कंधे पर बिठा लिया है। जय जयकार हो रहा है जदयू का। जदयू ने कहीं ना कहीं अपनी एक इज्जत बचा ली है। एक सीट नाथनगर सीट एक बार फिर से जदयू के खाते में गई है। अंतिम राउंड तक कांटे की टक्कर चली है। उसके बाद जब बाहर निकले लक्ष्मीकांत मंडल, तो जरा सुनिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। मेरी प्राथमिकता रहेगी सरकार के द्वारा, जो बिहार सरकार द्वारा न्याय के साथ विकास हो रहा है, और साथ ही साथ केंद्र के सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास लेकर के जो विकास हो रहा है, यानी मुख्य रूप से जो सारी जो सरकार के द्वारा योजनाएँ चल रही है, चाहे वह 44 विभाग हो और 400 प्रकार की अधिक योजनाएँ चल रही है, उन योजनाओं को एकदम जमीन पर धरातल पर पारदर्शिता के साथ लागू होना कराना, यही मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा। कहीं ना कहीं आपके जीत में जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं अशोक आलोक का बहुत बड़ा हाथ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 15,000 मत उन्होंने काटा है। जो भी निर्दलीय प्रत्याशी ने मत काटा हो, वो उसने सभी कैंडिडेट का मत काटा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम मेरा प्रतिनिधि का ही वोट काटा है। अरे पूरे बिहार में हार गए, उस पर मैं प्रतिक्रिया कुछ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ जो भागलपुर में नाथनगर विधानसभा के जीत हुई है, यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, और साथ ही साथ भागलपुर के सभी कार्यकर्ताओं का और नाथनगर विधानसभा के क्षेत्र के सभी मतदाताओं का उसमें सम्मान है और उसकी जीत है। आपने सुन लिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए। कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत मंडल ने यह कहा है कि जो जिम्मेवारी उन्हें मिली है उसका वो निर्वहन करेंगे। वहीं आपको बता दें कि करीबन 5,000 वोटों से जीत मिली है लक्ष्मीकांत मंडल को। अंतिम फेज तक ये जब काउंटिंग हुई, तब तक सस्पेंस बरकरार था। लोग ये कह रहे थे कि लगातार कांटे की टक्कर हो रही है, कौन जीतेगा कहना मुश्किल है, लेकिन 5,000 वोटों से जदयू ने ये सीट फिर से अपनी झोली में डाल ली है। देखने वाली बात यह है कि अब जो विपक्ष और सरकार के बीच में जुबानी जंग होने वाली है, उसमें कौन कौन क्या क्या कहता है, और तेजस्वी यादव का लोगों को इंतज़ार है वो कब तक आते हैं और क्या कहते हैं। हालांकि कल राबड़ी देवी के आवास पर एक बड़ी बैठक होने वाली है संगठन चुनाव को लेकर, उसके बाहर भी जब नेता जुटेंगे तो क्या कुछ कहेंगे, उससे लाइव स्ट्रीम आपको रूबरू कराएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।